नमस्कार वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज यूट्यूब चैनल क्लासेस एंड ऑन दिस चैनल नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर सो लेट अस प्रोसीड फर्दर सो इन दिस सेशन बी डिस्कसिंग अबाउट गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग ऑफ डाक इन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट सो सी आर यू एक हमारा हब है जब भी हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे जब भी हम हैंडलिंग ऑफ डाक की बात करेंगे जब भी हम मैनेजमेंट एंड रिसीट ऑफ डाक की बात करेंगे तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट हमारे कोर में रहेगा सो so, गाइडलाइन क्या है इनका और दूसरा स्कैनिंग गाइडलाइन क्या है 2022 में गाइडलाइन में इस कुछ चेंजेज आए हैं सो टू में जो गाइडलाइंस में जो चेंजेज आए हैं क्योंकि अभी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको स्कैन किया जा रहा है दो यू आर यूजिंग कंप्यूटर दे नो स्कैनिंग इज डन बाय द स्कैनर एंड देन फॉर्मेट इज डिसाइडेड बाय यस वेदर इट इज जे पी फॉर्मेट वेदर इज इट पी डी फॉर्मेट वेदर इट इज डिफरेंट फॉर्मेट्स आर देयर बट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग इज देयर फॉर द फर्दर रिटेंसन इन द फ्यूचर सो लेट अंडरस्टैंड सो गाइडलाइन फॉर हैंडलिंग ऑफ डाक्स में क्या है कुछ कुछ टेबल बना करके आ, जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है टू का उसमें मेंशन किया हुआ है ये एक अनेक्सचर है उस टेबल का ये एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या है इसमें पहले डाक का टाइप है रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है स्कैनिंग करनी है कि नहीं करनी है एंड हैंडिंग ओवर द प्रोसीजर क्या है <coughs> तो ये वेरायटी ऑफ डाक है डाक टाइप मतलब वेराइटी ऑफ डाक जैसे न्यूज़पेपर आता है मैगजीन आते हैं पेरीओडिकल्स आते हैं इनका रजिस्ट्रेशन करना है सेंट्रल रजिस्ट्री में नहीं जी ये जैसे आते हैं वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे स्कैनिंग करना है नहीं जी न्यूज़पेपर को डेली किस लिए स्कैन करना है सो so, न्यूज़पेपर को स्कैनिंग नहीं करनी है मैगजीन को स्कैनिंग नहीं करनी है पेरीओडिक्स को पेरियडिकल्स को स्कैनिंग न रजिस्ट्रेशन करना है न रजिस्ट्रेशन नंबर देना है न स्कैनिंग देना है क्या करना है इनको हैंड ओवर टू द लाइब्रेरी लाइब्रेरी को हैंड ओवर कर देना है उसके बाद से प्राइवेट डाक प्राइवेट डाक कई बार आते हैं जैसे किसी का एल रिमाइंडर आता है किसका पर्सनल बिल आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है स्कैनिंग करनी है नहीं करनी है क्या करना है हैंड ओवर टू एड्रेसी पी ए एम टी एस जो भी इनसे रिलेवेंट लोग हैं उनको हैंड ओवर कर दीजिए फिनिश प्राइवेट डाक बाई रजिस्टर्ड और पोस्ट स्पीड पोस्ट ऑफिस प्राइवेट डाक का मतलब ये होता है जैसे लिखा रहेगा एस एस ओ लिखा रहेगा असिस्टेंट डायरेक्टर भावना लिखा रहेगा असिस्टेंट डायरेक्टर जीवनाथ सर तो ऐसे अगर किसी का पर्सनल डाक है तो पर्सनल डाक का रजिस्ट्रेशन करना है क्या नहीं करना है स्कैनिंग करनी है क्या तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो जाएगी नहीं करना है तो क्या करना है रिसीव इन पेपर रजिस्टर टेक सिग्नेचर इन ऑफ द एड्रेसी पी ए और एम टी एस सो उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं पेपर रिसीट कर ले लीजिए हो गया डाक्स बाय ऑफिस नेम अब ऑफिस नेम से आ रहा है ऑफिस नेम से मतलब बेनिफिट ब्रांच रेवेन्यू ब्रांच इंस्पेक्शन ब्रांच एफ एंड ए ब्रांच लीगल ब्रांच कोऑर्डिनेशन ब्रांच जब इनके नाम से कोई डाक ऑफिस के नेम से जब कोई डाक आता है रजिस्ट्रेशन करने हैं हंड्रेड परसेंट करने हैं स्कैनिंग करनी है करनी है जी तो स्कैनिंग कैसे करेंगे पहले इन को ओपन करना पड़ेगा सो ओपन इनवेल्प स्कैन एंड रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड टू सेक्शन कंसर्न राइट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन ओरिजिनल पेपर एंड सेंड टू रेस्पेक्टिव सेक्शन यहां पर थोड़ा काम बढ़ गया है क्योंकि यहां पर क्या है इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिकली भी फॉरवर्ड किया जाता है इसके बाद से डाक बाय ऑफिस नेम विद बल्कि इनक्लोजर्स कई बार ऐसे होते हैं कि डाक जो आता है उसमें सिंगल पेपर होता है दो, एक दो पेज में लेटर होगा कई बार ऐसा होता है कि एक दो पेज में लेटर तो है लेकिन उसके पास पाँच दस बीस पेज का इंक्लोजर है रजिस्ट्रेशन करना है क्या पक्का करना है स्कैनिंग सबका करेंगे क्या स्कैन कवरिंग लेटर इनक्लोजर सेंड एज हार्ड कॉपी सो सिर्फ कवरिंग लेटर को स्कैन करना है इनक्लोजर को स्कैन नहीं करना है इसके बाद क्या करना है रिमार्क्स अबाउट द इनक्लोजर विल बी इंटर्ड इन द रजिस्ट्रेशन इफ डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट ऑफिसर सेक्शन पर्सनल स्टाफ मे स्कैन दे मैन कीप इन ए फाइल अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर सो ऐसे जितने भी ऑफिस ऑफिस टाँक आ रहे हैं जिसमें कवरिंग uh, लेटर के साथ बल्कि इनक्लोजर है ये बल्कि इनक्लोजर को स्कैन करने का काम रजिस्ट्री का नहीं है ये बल्कि रजिटर बल्कि इनक्लोजर को स्कैन uh, करने का काम उस सेक्शन का है उस डिपार्टमेंट का है उस ऑफिस का है डाक बाई ऑफिसर्स नेम और मार्ग प्राइवेट क्लासिफाइड रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करना है हंड्रेड परसेंट करना है और चूँकि ऑफिसर का नेम है एंड और प्राइवेट चाहे क्लासिफाइड है तो ये खोल नहीं सकते हैं जब खोल नहीं सकते हैं तो स्कैनिंग कैसे करेंगे सो so जहाँ कहीं भी पर्सनल ऑफिसर के नेम होंगे चाहे प्राइवेट लिखा हो चाहे क्लासिफाइड लिखा हो उसको एंट्री तो करेंगे खोलना नहीं है तो जब खोलेंगे नहीं तो स्कैनिंग भी नहीं होगी इसलिए नो स्कैनिंग विल नॉट बी ओपेंड हाउ एवर इट विल बी रजिस्टर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्डेड टू द एड्रेसी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट विल बी रिटर्न ऑन द ओपन इनवेल एंड इट विल बी सेंड टू कंसर्न ऑफिसर और हीज हर पी ए इट विल बी ड्यूटी ऑफ द एड्रेसी और हीज हर पी ए टू स्कैन इट एंड एंटर इन टू ई फाइल अगेंस्ट द कंसर्न रजिस्ट्रेशन नंबर सो ऐसे केस में क्या है ऐसे केस में भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कंसर्न सेक्शन है उनको स्कैनिंग का ड्यूटी दिया गया है नोट क्या है देसन गाइडलाइंस आर ऑफ फॉर रेफरेंस परपजस इवनली ये जो ये टू यहाँ पे है और फोर यहाँ पे है सिक्स जो है ये सिक्स इलेट्रेशन है एंड दिस दीज आर फॉर रेफरेंस परपज इवनली द डिपार्टमेंट्स नीड टू हैव देयर ओन इंस्ट्रक्शंस डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स नेचर एंड इम्पोर्टेंट ऑफ डार्क रिसिप्टो कहने का मतलब ये है की रिक्वायरमेंट के अनुसार नीड के अनुसार डिपार्टमेंट के नेचर के अनुसार ये जो ये जो जनरल रूल है इस रूल में वेरिएशन किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द सुटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट सो दो नॉट है अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन गेन हो रहा है कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो सब्सक्राइब तो बनता है और अगर पढ़े लिखे हैं और बातें अगर समझ में आती हैं और ठीक लगती हैं तो लाइक कीजिए वरना हमें डिसलाइक भी पसंद है क्योंकि डिसलाइक से हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करने का का मोटिवेशन मिलता है सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर टू योर डियर एंड नियर एंड डियर सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियोस चलिए इसके बाद से स्कैनिंग गाइडलाइंस है स्कैनिंग गाइडलाइंस में क्या है नोट शीट और कॉरेस्पॉन्डेंस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं स्कैन किसको करना है कैसे करना है hmm? तो स्कैनिंग का प्रोसेस यहाँ पर बताया जा रहा है नोट शीट का अलग है कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डाक कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर्स हो गया उसका अलग है सो नोट शीट का क्या है टीयर पुअर लिजिबिलिटी क्लीन पेपर सो क्या करना है इसमें यहाँ पर स्कैनिंग का सेटिंग दिया हुआ है इस स्कैनिंग के सेटिंग के अनुसार करना है ये सेटिंग जो है उसमें ऑप्शन आता है सेटिंग का चेंज करने के लिए तो उसमें इस, आप आ, सेटिंग चेंज करके और उसमें कर सकते हैं इसमें सब में दे रहा है कि ब्लैक एंड वाइट करना है यहाँ तक ब्लैक एंड वाइट है नोट शीट ब्लैक एंड वाइट नोट शीट ब्लैक एंड वाइट हैंड रिटर्न ब्लैक एंड वाइट यहाँ से कलरफुल आ रहा है तो उसको हम देखेंगे यहाँ तक भी प्रिंटेड भी ब्लैक एंड वाइट है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कम प्रॉपर्टी इंक्लूड uh, होता है नहीं तो हेवी हो जाता है बल्कि हो जाता है आउटपुट सारे सब में आउटपुट पीडीएफ 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 है सो स्कैनिंग हैज़ टू बी डन इन पीडीएफ फॉर्मेट वनली पीडीएफ के अलावा किसी और फॉर्मेट में स्कैनिंग नहीं करनी है आउटपुट साइज जो है आउटपुट साइज जो है ये उसको इस तरीके से बनाना है कि कुछ हिसाब ऐसा हो कि उसमें 100 150 फिफ्टी के बी से लेकर के 150 फिफ्टी के बी के आस हो इसमें 15 के बी के आसपास हो इसमें 150 फिफ्टी के बी के आस हो 15 टू 20 के बी के आसपास हो 450 फिफ्टी के बी क्योंकि इसमें कलर की बात हो रही है कलर्ड प्रिंटेड पेपर को कलर में करेंगे अभी तक ये प्लेन पेपर थे तो प्लेन पेपर को प्लेन में ही करेंगे बट कलर प्रिंटेड पेपर को कलर में स्कैनिंग करेंगे वो भी पीडीएफ होगा उसका आउटपुट जो होगा वो 450 केबी का होगा पर टेन पेज इसका एम का साइज दिया हुआ इस साइज़ को ध्यान में रखना है सो so दैट हमारा डेटा जो है एक कंफर्टेबल जोन में रखा जा सके जब जरूरत पड़े तो उसको ओपन किया जा सकता है बहुत बल, बल्कि अगर स्कैनिंग हो जाएगा तो उसको ओपन करने में ही टाइम लगेगा स्टोरेज में जगह नहीं हो पाएगा इसलिए उसके लिए 2022 का जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है उसमें क्लियर कट गाइडलाइन दिए हुए हैं इट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू सो हमें क्या करना है ध्यान रखना है पुअर एलिजिबिलिटी क्लीन पेपर हैंड रिटेन प्रिंटेड पेपर इन सब का हमें ब्लैक एंड व्हाइट स्कैनिंग करनी है इन सब की हमें ब्लैक एंड वाइट स्कैनिंग करनी है कलर हैं कलर स्कैनिंग सिर्फ कलर प्रिंटेड की करनी है आउटपुट फॉर्मेट सबका पीडीएफ रहेगा आउटपुट साइज थोड़ा सा डिफर करेगा पर पेज के हिसाब से दिए हैं पर टेन पेज के हिसाब से दिए हैं पर ट्वेंटी फाइव पेज के हिसाब से दिए हैं सो क्वेश्चन एम का क्वेश्चन आएगा कि इट इज एट के पर टेन के टन टेन पेज फाइव पेज फिफ्टीन पेज सो दो ही ऑप्शन है पर टेन पेज और पर ट्वेंटी फाइव पेज ध्यान में रखना है एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है नोट क्या है देवर मेन्सन गाइडलाइंस आर फॉर जनरल रेफरेंस परपस मनली दे मे डिफर विद डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्केंडर ऑफ द स्कैनर्स स्कैनर अभी डे बाय डे नए टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं नए टेक्नोलॉजी के आएंगे तो उसमें हमारे पास बहुत से ऑप्शन हो जाएंगे जिसमें हम इसको मॉडिफाई करने का हमारे पास ऑप्शन रहेगा हो सकता है कि गवर्नमेंट दो साल एक दो साल बाद से फिर से नया मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर लेकर के आए आज का नीति श्लोक दरिद्रता धीरतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते कुभोजनम चोषणतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते अर्थात दरिद्रता धीरज से कुरूपता अच्छे स्वभाव से कुभोजन गर्म रहने से और पुराना कपड़ा भी स्वच्छ होने से शोभा पाता है ये जितने पदार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं इनका ये बेस्ट पोजीशन बताया गया है अगर इनका ऑटोमोस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो उसके पोजीशन के बारे में बताया गया है जब भी दरिद्रता बहुत भयंकर एक श्राप है और भगवान न करे किसी के पर दरिद्रता आए भगवान करें सभी सक्षम हो और सबके पास लक्ष्मी की कृपा बनी रहे फिर भी किसी कारण से अगर दरिद्रता आ जाए तो उस समय धीरज से काम लेना चाहिए धैर्य जो है दरिद्रता का एक बहुत बड़ा संकट मोचक है कुरूपता अच्छे स्वभाव का आपको चाहिए कि डेली मिरर में अपने चेहरे देखिए अगर आपको लगता है कि आपको भगवान ने उतनी सुंदरता से नहीं बनाया जितनी सुंदरता से बनाना चाहिए तो आपको अपने स्वभाव में बदलाव करना पड़ेगा आपके पास इतने अच्छे स्वभाव हों कि लोग आपकी स्वभाव की पूजा करने लगे आपके स्वभाव के कायल हो जाए रूप क्या है रूप तो क्षणमंगुर है बचपन में अच्छा लगता है जवानी में अच्छी लगती है और जवानी ढलते ढलते शरीर की जो ये चमड़े हैं ये झुर्रियों में बदलने लगते हैं स्वभाव जो है अचल है स्वभाव जो है अटल है स्वभाव जो है सत्य है सनातन है स्वभाव स्थिर है अगर अच्छे स्वभाव हैं तो उनकी पूजा कालांतर तक होती रहती है उनमें निखरता बढ़ती जाती है अच्छे स्वभाव में उम्र के साथ साथ उसमें उसमें सुंदरता बढ़ी जाती बढ़ती जाती है जो हमारा स्वरूप है उम्र के साथ साथ इसकी इसकी सुंदरता ढलने लगती है और हमारा जो अच्छा स्वभाव है उम्र के साथ साथ इसकी जो सुंदरता है वो निखरने लगती है कुभोजन भी गर्म रहने पर ऐसा देखा गया है कि अगर भोजन अच्छा ना हो तो अगर भोजन गर्म हो तो उसको नमक से भी खाया जा सकता है मिर्च से भी खाया जा सकता है बिना किसी बिना किसी सब्जी के भी खाया जा सकता है अगर भोजन गर्म है तो सुख भोजन अगर ठंडे हो जाए तभी विभिन्न भी प्रकार की सामग्री की ज़रूरत पड़ती है तो भोजन की जो उत्तम अवस्था क्या है गर्म होनी चाहिए और पुराना कपड़ा भी स्वच्छ होने से शोभा पाता है कपड़ा नया है या पुराना है उतना मायने नहीं रखता है मायने ये रखता है कि आपने कपड़े को कितने सहेज करके पहन रखा है कितने साफ़ सुथरे तरीके से पहन रखा है कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है नए नए कपड़े को जैसे तैसे पहनते हुए भी लोगों को देखा गया है और पुराने पुराने कपड़े को अच्छी तरीके से धो करके बड़ी शालीनता के साथ सादगी के साथ पहनते हुए भी लोगों को देखा गया है स्वच्छ कपड़ा का संबंध जो है वो शुक्र से है शुक्र अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारे पर सुख बरसता है ऐसा एस्ट्रोलॉजी में मेंशन किया हुआ है एस्ट्रोलॉजी में सुख के कारक शुक्र है और शुक्र प्रसन्न होते हैं हमारे स्वच्छ कपड़ों से स्वच्छ आदतों से स्वच्छ स्वभाव से तो अगर सुख पाना है तो शुक्र को प्रसन्न करना है और शुक्र को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सुंदर और स्वच्छ कपड़े पहनने कीजिए मलिन कपड़े कभी ना पहनिए एटलीस्ट दो तीन सेट कपड़े रखें और बदल बदल करके उसको पहना करें स्वच्छ रहेगा साफ रहेगा सुंदर भी रहेगा समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आंतरिक प्रसन्नता भी रहेगी तो इसलिए ये जो सुक्ति है कि दरिद्रता धीरज से कुरूपता अच्छे स्वभाव से कुभोजन भी गर्म रहने से और पुराना कपड़ा भी स्वच्छ होने से शोभा पाते हैं इसका हमें अनुपालन करनी ही चाहिए डिस्क्लेमर यह है कि इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस रूल्स लॉ शैल प्रिवेल मिलते हैं अगले क्लास में